हैंड प्रैक्टिस यानी कि मेस्ट्रीब्यूशन हस्त मैथुन करने का सही समय, सही उम्र और सही समय कितना है, तो इस बारे में पूरी वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो को जरूर लाइक करना। टीनेजर से ही शुरू हो जाती है मेस्ट्रीब्यूशन यानी कि हैंड प्रैक्टिस, क्योंकि बॉडी में हो जाती है आपके सेक्सुअल हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होने की क्षमता जो है बढ़ जाती है, स्टार्ट हो जाता है आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स और उसी के साथ बॉडी में बहुत सारी चेंजेस जो आपको आपके सेक्सुअल एक्टिविटीज सेक्सुअल डिज़ायर्स के बारे में बताती है और आप में डिज़ायर्स होने लगती है, इच्छा होती है और आपके जेनेटल पार्ट्स भी इरेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी टीनएजर्स यानी कि आपकी किशोरावस्था से। लेकिन किशोरावस्था में अगर आप हैंड प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा करते हैं तो आपको इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आप फ्यूचर में कभी पिता या फिर फादर नहीं बन सकते, आपको प्रोस्टेट कैंसर होने का भी खतरा है ज़्यादा अगर आप इसे करते हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसके साथ साथ ही आपकी सीमन बनने की जो सीमन काउंट होने की क्षमता वो भी घट जाएगी, बालों का झड़ना, उसी के साथ साथ ही आपकी आँखों की रोशनी और आपकी हेल्थ में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स करेंगे, तो इस वजह से बी केयरफुल, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि सही उम्र क्या है। सही उम्र क्या है 18+। बॉयज़ को देखा गया है कि 18+ से जितने भी हैं, अगर आप 18 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं और आप अगर हैंड प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं दैट इज़ ओके, ये आपके लिए सही माने जाता है। लेकिन उससे कम एज से अगर आप करते हो यानी कि 15-16-17 के एज से अगर आप करना शुरू करते हो तो फिर ये आपको काफ़ी गंदी आदत तक ले जाएगा, काफ़ी लत लग सकती है आपको और ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टाइमिंग कितनी होनी चाहिए। ये आपके डिस्चार्ज होने की पावर है, ये आपकी पर्सनल थिंग है, लेकिन आपको कितना करना चाहिए। बहुत सारे लोग डेली करते हैं या वो सप्ते में एक या दो बार, बहुत सारे लोग महीने में एक या दो बार, तो आपको बता दो कि इसकी अगर सही चीज़ सही टाइमिंग बताया जाए तो 1-2 बार महीने में करनी चाहिए, ये आपकी करेक्ट टाइमिंग होती है और डॉक्टर इसके लिए अलाउ भी करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।